हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आने वाली 28 तारीख को इसी महीने की यानी कि अक्टूबर 28 को बजाज की ओर से कुछ नया धमाका देखने को मिल सकता है। वैसे ये बात पूरी तरह से कन्फर्म ही है कि इसी महीने की 28 तारीख को बजाज अपनी पल्सर सीरीज की दो नई बाइक्स को भारतीय सड़कों पे भारतीय बाजारों में पेश करने की फिराक में है, जिससे एक रहेगी पल्सर 250F और दूसरी रहेगी पल्सर NS 250। अब ये 250 सेगमेंट में पल्सर की इनके पास कोई बाइक नहीं है और इसीलिए ये शायद इस पर्टिकुलर दोनों गाड़ियों को उतारने की फिराक में है। बात करें प्राइसिंग की तो लगभग दोनों ही बाइक्स की एक शोरूम के हिसाब से जो प्राइस रेंज आने वाली है वो 1,60,000 से लेके 1,70,000 के करीब करीब हो सकती है। वैसे बजाज का ये कदम वाकई अच्छा होने वाला है क्योंकि पल्सर लवर्स के लिए 200 सीसी के ऊपर का कोई ऑप्शंस अभी तक नहीं था इस पर्टिकुलर बजाज की ओर से, लेकिन अब आपके पास एक नहीं बल्कि दो ऑप्शंस रहने वाले हैं बजाज पल्सर के 200 के ऊपर सीसी के जो सेगमेंट है उसमें, यानी 250 सीसी में, जिसमें पल्सर NS 250 ये पूरी तरह से स्पोर्ट नेकेड बाइक देखने को मिल सकती है। अफकोर्स यस मिलने ही वाली है। वही पल्सर 250F एक सेमी फेयरिंग टाइप की जो बाइक है वो रहने वाली है। मतलब आप ये समझ लो कि अभी की जो पल्सरें आ रही है NS जो 200 160 आ रही है उसी का थोड़ा बहुत जेरोक्स आपको आगे देखने को मिल सकता है, और जो 200 220F वैसे ये डिसकंटिन्यू कर दी है वो आया करती थी, उसी तरह का कुछ नया सा लुक उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि लुक आपको जो प्रीवियस गाड़ियां है उन्हीं तरह से उसी तरह से कुछ आगे देखने को मिल सकता है, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। अब बात कर ली जाए थोड़ा बहुत ओवरव्यू की तो दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में प्रोजेक्टर LED हेडलाइट आपको मिलने वाली है, यह डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसके साथ आपको मिलेगी। इसी के साथ सीटिंग पोजीशन भी दोनों ही बाइक की लगभग सिमिलर मिलने वाली है। वही पिलियन के लिए थोड़ा अपर साइड यानी ऊपर रेज जो है सीट पोजीशन जो रहने वाला है थोड़ा सा वो यहाँ पे भी रहेगा। बाकी दोनों ही बाइक को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म यानी कि नई चेसिस पे बनाया जाएगा, यहाँ कोई भी पुरानी चेसी जो है वो यूज नहीं करी जाएगी, जो अभी के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा अच्छी ज्यादा मजबूत होने वाली है। वही फ्रंट में ड्यूअल शॉक टेलीस्कोपिक फोक के सस्पेंशंस और रियर में आपको मोनोशॉक के सस्पेंशंस मिल जाएंगे। वही ब्रेकिंग में आपको ड्यूअल डिस्क के ऑप्शन के साथ साथ ड्यूअल चैनल ABS भी आपको देखने को मिल सकता है और मिलना जरूरी भी है। 250 सीसी की जो बाइक होती है उनका स्पीड अफकोर्स ज्यादा होता है, साथ ही जो पल्सर है पूरी की पूरी सीरीज स्पीड की वजह से जानी जाती है, तो हाँ यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS आपको जरूरी है बजाज की ओर से देना, जो कि यहाँ शायद आपको मिल सकता है और मिल ही जाएगा मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात करें इसमें मिलने वाली इंजन के, यानी कि जो इंजन रहेगा यहाँ पे हो सकता है डोमिनार का ही इंजन यहाँ यूज़ कर लिया जाए, लेकिन जहाँ तक लीक्स निकल करके आए हैं तो इसमें आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर जो इंजन है एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन BS6 इंजन आपको यहाँ मिलने वाला है। अफकोर्स यस फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ही ये आएगा, जो लगभग 28 BHP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा और वही 20 Nm का मैक्स टॉर्क जो है पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वही दोनों में ही आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ साथ स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्लीपर क्लच ये होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये थोड़ी सी हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियाँ आ रही है, डेफिनेटली प्राइस भी उनकी ज़्यादा है, तो ये होना मेरे हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन यहाँ जो है मार्केट में रह जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। इतना ही नहीं, इन दोनों बाइक्स में मिलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव मिलने वाले हैं। हो सकता है ये डिजिटल मिल जाए, हो सकता है सेमी डिजिटल मिले, लेकिन जो भी मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इनके अंदर देखने को मिलने वाली है। वैसे दोनों ही बाइक सीधा सीधा जो यामाहा की FZ-A25 है, सुजुकी 250 है और भी तरह तरह के ऑप्शंस मार्केट में हैं, उन सभी से कंपटीशन में उतरेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये छोटी सी न्यूज़ थी, मुझे लगा आप तक पहुँचानी ज़रूरी है।
और अगर आप इन दोनों गाड़ियों का वॉक अराउंड रिव्यू, डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, तो जैसे ही ये गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में, हमारे आसपास के पड़ोस शोरूम्स में जो भी है आ जाएगी, डेफिनेटली आपको इसी चैनल पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उन सभी वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।